नमस्कार मित्रों, दिस मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन विच इज आई एम मोटिवेट टू यू टुडे इन दिस वीडियो। प्रिय मित्रों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास मोटिव्स होना चाहिए, हमारे पास उसको प्राप्त करने के लिए संसाधन होने चाहिए। संसाधन दो नंबर पे होता है। फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है अपना मन। मन को केंद्रित करेंगे, लक्ष्य दिखाई पड़ेगा, निशाना बनेगा। यदि लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाए हैं, हमको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, तमाम सारे क्वेश्चंस जो हैं हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो हमारा निशाना मिस हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति से हम दूर रह जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि चाहे वो एग्जाम का क्षेत्र हो, एग्जाम के क्षेत्र में चाहे वो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के रूप में हो, किसी भी तरह से यदि हमको अपने आप को फेस करना है ऐसी टेक्निकल चीज़ों से, तो हमें लक्ष्य बनाना आवश्यक होता है। वो लक्ष्य हमारा कब बन पाएगा, कैसे बन पाएगा और कहाँ बन पाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। लक्ष्य बनाने के लिए आपको किसी कारीगर की जरूरत नहीं है, लक्ष्य आप स्वयं से बनाएंगे। पहले आप ये निर्णय करेंगे कि हमको कितने मार्क्स लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइडर ऑफ योर सेल्फ, स्वयं के आप निर्णायक होंगे कि हमको कितने अंक लेने हैं। जब आप समझ जाएंगे कि हमको 90% मार्क्स हासिल करना है, तो आपका लक्ष्य बन गया। अब उसके लिए आपको करना क्या है? भाई, लक्ष्य बनेगा, तमाम सारी बाधाएं हैं, तमाम सारे अगल बगल के जो भी चीजें हैं, आपका जो वातावरण है, जो आपके स्थान, आपके क्षेत्र की जो चीजें हैं, वो तमाम चीजें आपको बाधित करती हैं। तो जब लक्ष्य बना लिया हमने, हमारा निशाना तय हो गया कि हमको उसी को प्राप्त कर लेना है, तो ये सारी बाधाएं पीछे हट जाएंगी आपकी। और जब हमारे लक्ष्य में, एम बनाने में वीकनेस दिखाई पड़ेगी, तो वही तमाम सारी बाधाएं हमारे समक्ष आ जाती हैं, जिसका फेस हम नहीं कर पाते हैं, उससे हट जाते हैं। प्यारे मित्रों, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, पेपर भी दे चुके हैं, कुछ पेपर देने भी हैं, हम सोच विचार रहे हैं, जो पेपर हम दे करके आए हैं उसी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अगले पेपर की बातें ही छोड़िए, गलत है। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, आप नए सिरे से आप सोचिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूं कि आपको, कि जो आपकी काबिलियत होती है, जो आपकी आपके व्यक्तित्व होते हैं, वो व्यक्तित्व जो है एग्जाम में, चाहे वो एमआर सीट पर हो, चाहे वो राइटिंग कॉपी पे हो, वो उसी पर होते हैं, आप स्वयं नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज यहां आपको आपकी जो हैंड राइटिंग को आपको दुरुस्त करना है, या जो भी आपकी हैंडराइटिंग है, उस हैंडराइटिंग में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, हैंडराइटिंग काफी मायने रखती है। जब भी आपकी उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर के समक्ष जाती है, तो आपके व्यक्तित्व को आंक लेता है कि आप क्या हैं, व्हाट इज रियलिटी इन यू। तो हमारी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हैंडराइटिंग में कोई कमी यदि है तो उसको सुधारें। यदि सुधारने में हम अक्षम हैं, तो थोड़ा दूरी पर हट लिखें, स्पष्ट लिखने का प्रयास करें, स्पष्ट हैंडराइटिंग होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये आपका है। और दूसरा पॉइंट आपका है कि जो हमारा एम हो, एम जो है स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एम हो, लक्ष्य हो, वो डगमग नहीं होना चाहिए। चलिए 99% नहीं, चलिए 60% ले आएंगे, 85% ले आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों,
लक्ष्य तो लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको उस तरह से बनना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों का ध्यान रखिएगा कि यदि आपने लक्ष्य बनाया है 99% लाने का, तो अवश्य ही 99% आपको प्राप्त होगा, नो डाउट। बशर्ते आपको कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाना होगा, जैसे कि आपने अपनी हैंडराइटिंग सही कर लिया, अपने लक्ष्य को आपने पक्का किया है, तो जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपियर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, उस सब्जेक्ट की सेंट्रल आइडिया समझिए। जैसे मान लीजिए उस सब्जेक्ट में हम मैथ में जा रहे हैं, या हम फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, या हम हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम के जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, हाउ मेनी टाइप्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू, आस्किंग टू यू, आपसे कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस तरह से हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उसके बिंदु के बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हमको क्वेश्चन लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, जब हम पूरी सेंट्रल आइडिया, पूरा जो है समरी उसके विषय में जान जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन हम स्वयं हल कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान रखिए कि पहली चीज आपको है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लें, या जो भी है उसको स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। दूसरी चीज है आप लक्ष्य को दृढ़ता से कायम रखें। इस लक्ष्य को बाधा पहुंचाने में बहुत सी चीजें होती हैं, आपके अगल बगल के एटमॉस्फेयर भी आपको बाधा पहुंचाएंगे, आपके जहां पर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, वहां के अगल बगल का भी वातावरण आपको बाधा पहुंचा सकता है। तो उन सभी चीजों को हम अवॉइड करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको बाधा पहुंचा सकते हैं। तो सारी चीजों को अवॉइड करते हुए अपने लक्ष्य पर कायम रखना है, कायम रहना है, पूरी तरह से उसको हासिल ही कर लेना है। तो जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, सारी बाधाएं आपसे दूर होती चली जाएंगी। प्यारे मित्रों, तो दो चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपको अपनी हैंड राइटिंग को सही करना है। दूसरा, एम बनाना है कि हम इतने परसेंट नंबर लाएंगे। तीसरी बात आपका है, जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्ट के साथ, विथ इंटरेस्ट जो है पढ़ना है, यानी कि इसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तब तक ये चीजें आपसे दूर भागेंगी। कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई से, बहुत ही तन्मयता से आप अध्ययन करें, स्टडी करें, उसके प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयास करें। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो जो भी उसके टीचर्स हैं उनसे संपर्क करें, और उसको जब तक पूरी तरह से न समझें, आगे बढ़ने का प्रयास मत करें। प्यारे मित्रों, तीन चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहली चीज है आपकी हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग द मोस्ट पर्सनालिटी ऑफ योर एग्जाम पेपर्स, यानी एग्जाम के लिए आपकी बहुत बड़ी व्यक्तित्व क्या कार्य करती है, क्या, हैंडराइटिंग। और दूसरी चीज है आपका लक्ष्य, और तीसरा चीज है आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप अपियर हो रहे हैं, बहुत ही डीपली जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, मैं वादा करता हूं 99% क्या, 99% नंबर आपको लेने ही लेने होंगे, और आपके जेब में ही हो जाएंगे, बशर्ते आप उसको अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी ने क्या लिखा, तमाम सारी बुक को लोग पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक को तमाम सारे विचारक अपने अपने ढंग से लिखते हैं, लेकिन उसमें से एक आपका भी विचार है, आप तो ही विचारक हैं, क्योंकि आप यू आर स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट के रूप में हैं, आप एक स्टडी कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, गहनतम स्टडी कर रहे हैं, आपको शोध भी करना है, उस पर रिसर्च भी करना है, तो आप भी तो एक विचारक हैं। कम से कम तमाम सारे विचारों को पढ़ने के पश्चात हम अपने भी विचार को तो रखें। एक बार की बात है प्यारे मित्रों, एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था, परंतु कुछ कारणों से उसने पूरी तैयारी नहीं की थी, और जो भी तैयारी की थी वो गहनतम तैयारी की थी, उस विषय के विषय में लर्न करने की उसकी क्षमता थोड़ा नहीं थी, क्योंकि उसको थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। तो उसने अपने ही विचार को डिफिनेशन करना है, कोई भी चीज लिखना है, तो हम राइटर की बात तो कर ही रहे हैं, राइटर जो भी लिखा है, जो भी डिफिनेशन करते हैं, परिभाषा वगैरह लिखते हैं, तो उस परिभाषा को उसने दो चार पढ़ा, उसके पश्चात उसने स्वयं को स्वयं के लैंग्वेज में उसको परिभाषित कर दिया, उसको अच्छे नंबर प्राप्त हुए।
प्यारे मित्रों, ये चीज बहुत ही आवश्यक है, जीवन को बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी डगर पे लोग जा रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं, संभलते भी हैं, तो हम देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। तो अपने आप को बदलिए, बदल करके, थोड़ा हट करके तैयारी करना शुरू कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ आप गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। तो तीन चीजों को मैं बहुत प्रेशर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, कि पहली चीज आपकी हैंड राइटिंग सही हो, आप सुधार लें। दूसरी चीज ये है कि आपका लक्ष्य पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है आपका सब्जेक्ट, जो भी विषय है उस विषय के बारे में आपको पूरी तैयारी रखना होगा, तभी आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज ओके सर, नमस्कार।